क्या कौन सी ऐसी वजह आई जो आपको टिकट नहीं दिया गया? देखिए ऐसा है कि टिकट देना, टिकट वितरण पार्टी का प्रेरोगेटिव है, अपना विशेषाधिकार है। जनता ये कहती है, हम लोगों के सर्वे में भी आया है कि देवमल जी होते तो कुछ उसकी तस्वीर अलग होती। देखिए भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वह ट्राइड टेस्टेड और अटेस्टेड हैं, तो जैसे डबल इंजन की सरकार है उसी तरह से डबल इंजन के विधायक होंगे। अच्छा, डबल इंजन को लेकर के आप तो रेलवे में अफसर रहे हैं जी, डबल इंजन कब लगता है? देखिए डबल इंजन तब लगता है जब स्पीड बढ़ानी होती है, कार की जरूरत होती है। सपा प्रत्याशी हर मीटिंग में इस बात को कहते हैं कि देवमल जी एक अपनी पंक्तियां कुछ स्वरचित प्रस्तुत करते हैं, राजनीति गंभीर विषय है, इसको आवारों के लिए छोड़ न देना, सारी चीजें। तो ये कहते हैं ये है जो पंक्तियां हैं उन पर ही खुद फिट बैठ जा रही है। उनका बुलावा है मोरी चला जाता ना मोरी, अब उनका काव कही बोल पावे न डोल पावे न कर पावे, तो ऐसे संतोष जी के लिए मैं क्या बोलूं। साइकिल की हालत है, ब्रेक छोड़ सब लागत बा, घंटी छोड़ सब बाजत बा, दोनों चक्का पंचर बा, अब काव बचा बा। इसलिए सनातनी को फिर गद्दी पर बिठलाना छोड़ न देना, और राजनीति गंभीर विषय है, आजम खां पर छोड़ न देना। 300 के पार आ रहे हैं, लेकिन जैसे विपक्षी कहते हैं कि 270 से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो आप उन्हीं को मान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी, आप देख रहे हैं दस्तक भारत। आज हमारी टीम लंबुआ विधानसभा के आनापुर गांव के पास मौजूद है। हमारे बीच में निवर्तमान विधायक देवमल द्विवेदी जी हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ किस तरह से आप प्रचार में जुटे हैं और अपने भाजपा प्रत्याशी सीताराम वर्मा की मदद कर रहे हैं, तो इनसे जानते हैं। इनके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानता है, लेकिन जनता को बता दूं कि आप पिछले 5 साल भाजपा विधायक रहे हैं और समाज सेवा के साथ ही हर मुद्दों को प्रमुखता से सरकार में भी उठाते रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। देवमल जी, आपका दस्तक भारत में स्वागत है। जी नमस्कार अनुराग जी। देखा जाए तो आप हर दिन कहीं ना कहीं प्रचार में हैं, निकल रहे हैं तेज़ी से, लोग मदद करने के लिए निकल रहे हैं, और सरकार के हर कदम पे कदम से कदम मिलाकर आप चलते रहे हैं, लेकिन क्या कौन सी ऐसी वजह आई जो आपको टिकट नहीं दिया गया? देखिए ऐसा है कि टिकट देना, टिकट वितरण पार्टी का प्रेरोगेटिव है, अपना विशेषाधिकार है, और टिकट जिसको दिया गया उस पर विश्वास व्यक्त किया गया, जिसको टिकट नहीं दिया गया इसका मतलब उसका कहीं और उपयोग है, ये होता है। और भाजपा तो आप जानते हैं बड़ी पार्टी है और सबके ऊपर निगाह रखती है, किसी और प्रयोग के लिए हमको उपयुक्त समझा होगा। जनता ये कहती है, हम लोगों के सर्वे में भी आया है कि देवमल जी होते तो कुछ उसकी तस्वीर अलग होती, या प्रत्याशी इतने वोट मिलते जिसका कोई जवाब नहीं था, तो इसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं अभी भी जनता के बीच में गूंज रही है। तो आप भाजपा प्रत्याशी के उसको लेकर के आप क्या उस पर जवाब देते हैं? देखिए भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वह ट्राइड टेस्टेड और अटेस्टेड हैं। सीताराम वर्मा जी आईएएस अधिकारी भी रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, इसके पहले ही सटी हुई विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। तो एक तो ये है, उनका अपना प्रभाव और सेवा है, और मेरे भी सेवा का जो भी पुण्य प्रभाव है वह भी उनको लग जाए, तो इससे ये तो जैसे डबल इंजन की सरकार है उसी तरह से डबल इंजन के विधायक होंगे। अच्छा, डबल इंजन को लेकर के आप तो रेलवे में अफसर रहे हैं जी, डबल इंजन कब लगता है? देखिए डबल इंजन तब लगता है जब स्पीड बढ़ानी होती है, और भी कई कारणों से आप हम समझ रहे हैं आप क्या जानना चाह रहे हैं। जैसे ज़्यादा वजन हो तो जैसे 70 साल में कम काम हुआ तो जिस डिब्बों में ज़्यादा वजन है तो एक तो वजन ज़्यादा के नाते डबल इंजन लगता है, और नंबर दो डबल इंजन स्पीड भी ज़्यादा करने के लिए लगता है, और नंबर तीन ये है कि जब विपक्षी वगैरह भी अपना जो है सब धर भर देते हैं तो उनके भी तमाम जो है सब हरवा हथियार, या यूँ कहिए कि ह्यूमन रिसोर्स सब अपने ही आए रहते। जैसे 80-20 हो गया, सरकार पहले 33% पर बनती थी, अब जैसे 80% पर, 50% पर, 60% पर है,
तो इतना जब लोग ज़्यादा विश्वास पैदा कर रहे हैं, विश्वास साथ विकास और विश्वास हो रहा है, तो उसके लिए प्रयास भी बड़ा करना होगा। आप जानते हैं सबका साथ विकास और विश्वास जरूरी होता है, इसलिए भरसक कोशिश करते रहना, कोर कसर कुछ छोड़ न देना, और राजनीति गंभीर विषय है, आवारों पर छोड़ न देना। ये सवाल, तो जब भरसक कोशिश करने के लिए और कोर कसर न छोड़ने के लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत होती है। सपा प्रत्याशी हर मीटिंग में इस बात को कहते हैं कि देवमर जी एक अपनी पंक्तियां कुछ स्वरचित प्रस्तुत करते हैं, राजनीति गंभीर विषय है, इसको आवारों के लिए छोड़ न देना, सारी चीजें तो ये कहते हैं, ये है जो पंक्तियां हैं उन पर ही खुद फिट बैठ जा रही है। उनका बुलावा है मोरी चला जाता न मोरी, अब उनका काव कही ठीक है ना। जैसे है क्या कि जैसे कोई तुलनात्मक हो, 19-20 हो तो ठीक है, अब उनके लिए क्या कहें आप लोग खुद ही जानते हैं। अच्छा, रही बात ये कि सीताराम जी बाहरी प्रत्याशी, यहाँ की जनता कहती बाहरी, बोल पावे न डोल पावे न कर पावे, तो ऐसे संतोष जी के लिए मैं क्या बोलूँ, न बोल पावे न डोल पावे न कुछ कर पावे। 33 पुल से पुलकित लंबुआ, ये 33 पुल अगर और 350 किलोमीटर नई सड़क है अगर बननी थी, पहले साल भर में 50 किलोमीटर सड़क बनती थी, वो पूरे 5 साल में 50 किलोमीटर बनती थी, अब 5 साल में 350 किलोमीटर नई सड़क बनी, तो अगर ये लोग सड़क बनवाए होते तो हमको बनवाने का ही मौका न मिलता। ये 33 पुल से पुलकित लभुआ जो लोग कहते हैं, अगर इसका मतलब नाला आज नया तो है नहीं, नदी भी आज नहीं है, पीली भी नहीं है, गोमती भी नहीं है, नाले भी नहीं है, बालमपुर ड्रेन भी नया नहीं है, तो 33 पुल की ज़रूरत कैसे पड़ गई 5 साल में? क्या हमने कोई नाला खोद दिया क्या? नहर नहीं है, तो इसलिए 33 पुलों से जिन लोगों ने वंचित किया था, अब उनका क्या करें? साइकिल की हालत है, ब्रेक छोड़ सब लागत बा, घंटी छोड़ सब बाजत बा, दोनों चक्का पंचर बा, अब का बचा बा। अच्छा, जहाँ तक ये कुछ प्रमुख मुद्दे ऐसे बता दीजिए जिसको लेके आप सीताराम जी को जिताने चल रहे हैं, क्योंकि जो ये मानती है जनता, विकास तो खूब हो रहा है लेकिन इसके साथ साथ आवारा पशु और महंगाई, दो को लेके ज़्यादा किसान परेशान है, हर कोई परेशान है। अरे विपक्ष वालों के आवारगी से ज़्यादा ये है, विपक्ष उन लोगों के आवारगी के नाते ही पशु छूटे हुए, वो अपने घर में बांधते तो क्यों आवारा टहलते, आदमी आवारा पशु आवारा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये विकास और व्यवहार का मुद्दा है, 370 का मुद्दा है, सनातन और सुशासन का मुद्दा है। मैंने लिखा है कि संत सनातन, रीत नीति हो तभी सुशासन मिलता है, इसलिए सनातनी को फिर गद्दी पर बिठलाना छोड़ न देना, और राजनीति गंभीर विषय है, आजम खां पर छोड़ न देना। चलिए ठीक है, इसके साथ ही आपने देखा यहाँ पर आजम खान जिंदाबाद, अतीक अंसारी जिंदाबाद के नारे फिर न लगें इस बात के लिए। क्या लगता है यूपी में कितनी सीटें आपकी आ रही हैं? देखिए ऐसा है, 300 के पार आ रहे हैं, लेकिन जैसे विपक्षी कहते हैं कि 270 से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो आप उन्हीं को मान लीजिए। ये थे देवमर जी, जिन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। अगले फिर किसी पड़ाव पे मिलते हैं, तब तक हमारे दस्तक भारत के साथ बने रहिए, धन्यवाद।